वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो के अंदर सिंक्रोनस मोटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट ALP की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट जो है ITI के थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इसके अंदर अपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर के। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है कि तुल्यकालिक मोटर जो होती है वो शून्य लोड और अति उत्तेजन पर प्रचालित है, तो इस अवस्था में उसे क्या कहा जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल आप लोग काम क्या करते हो, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए करते हो। तो ये मोटर जो शून्य लोड पर होती है और अगर एक साइड होती है, तो उस समय ये जो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है, तो इसका मतलब ये सिंक्रोनस संधारित्र के समान कार्य करती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सिंक्रोनस या तुल्यकालिक मोटर में निरंतर भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कि लोड जब बढ़ाया जाता है तो रोटर जो होता है वो कंपन करता है, और इस कंपन करने की जो प्रक्रिया जो होती है उसको हंटिंग दोष या फेज स्विमिंग दोष कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, फेज स्विमिंग दोष। और इस दोष को दूर करने के लिए रोटर पर एक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसे डैम्पर वाइंडिंग भी कहा जाता है। अगला है, सिंक्रोनस मोटर में मंदन कुंडली का कार्य क्या है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि डैम्पर वाइंडिंग जो होती है, एक तो मोटर को काम किया करती है सेल्फ स्टार्ट करने का काम करती है, दूसरा हंटिंग दोष को दूर करती है, और ये जो रोटर जो होगा इस तरीके से। और यहाँ ये जो भाग जो है, इस भाग के अंदर तांबे का एक तार लगाया जाता है, जिसको डैम्पर वाइंडिंग कहा जाता है। अगला है, सिंक्रोनस मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। तो सिंक्रोनस मोटर में आप लोगों ने देखा होगा पावर फैक्टर जो होता है वो एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है, कि उत्तेजन जैसे जैसे बढ़ाओगे, कि इस नॉर्मल उत्तेजन पर सामान्य उत्तेजन पर वो इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है, अंडर एक्साइटेशन पर वो लैगिंग और ओवर एक्साइटेशन पर वो लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो बैक EMF इसका चेंज होता है वो किसकी वजह से चेंज होता है, रोटर एक्साइटेशन की वजह से चेंज होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला दे रखा है कि निम्न में से किस मोटर को एकल कलीय तुल्यकालिक मोटर कहा जा सकता है, जिसे उत्तेजित नहीं किया होगा। तो देखो, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो प्रतिष्ठा मोटर होती है, या हिस्टेरेसिस मोटर होती है, या स्टेपर मोटर कहा जाता है। क्योंकि देखो, जो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर होगी उसको रोटर को तो आप लोग काम क्या करते हो, अलग से DC सप्लाई देते हो, तो उसको एक्साइट करना पड़ता है, जबकि इन मोटरों के अंदर रोटर को आप अलग से DC सप्लाई नहीं देते, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अनउत्तेजित या नॉन एक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, जिसे उत्तेजित नहीं किया गया। अगला है, सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजन बढ़ाने का शक्ति गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक्साइटेशन जब आप इसको बढ़ाते हो तो इसका पावर फैक्टर जो होता है वो सुधरने का काम करता है, और इसी कारण इसको आप लोग काम क्या करते हो, लाइन के समांतर में जोड़ करके लाइन का शक्ति गुणक सुधारने का कार्य करते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक 500 KVA 12 पोल है और 220 वोल्ट 3 फेज 60 हर्ट्ज की एक सिंक्रोनस मोटर है, शून्य भार पर और भार पर गतियों का अनुपात क्या होगा। तो इस मोटर की भार हो या लोड हो, दोनों पर गतियाँ चेंज नहीं होती, इसका मतलब शून्य लोड से नो लोड पर गति का जो अनुपात होगा वो क्या आएगा, एक ही होगा, सेम रहेगा। अगला, निम्न में से कौन सी मोटर को पश्चगामी और अग्रगामी शक्ति गुणक पर सरलता से प्रचालित किया जा सकता है। तो ये आपको एक ही मोटर जो होगी वो तीनों पावर फैक्टर पर काम करती है, तो वो सिंक्रोनस मोटर होगी। अगला, सिंक्रोनस मोटर में जो वी वक्र जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो देखो, वी वक्र जो होता है वो दो राशियों के बीच में संबंध प्रदर्शित करता है, एक तो क्या होगा क्षेत्र धारा, और एक क्या होगी आर्मेचर धारा। कि जो वी वक्र होगा इन दो राशियों के बीच में संबंध प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा एक क्या होता है, इन्वर्स वी वक्र होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये पावर फैक्टर और क्षेत्र धारा के बीच में होगा, क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। यहाँ फील्ड करंट होगी, ये आर्मेचर करंट होगी। अगर फील्ड करंट का मान ज़्यादा होगा तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, कम होगा। अगर फील्ड करंट का मान कम होगा तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो एक दूसरे के एंटी है, और दोनों में थोड़ा सा ही चेंजिंग है, कि यहाँ आर्मेचर करंट आएगी जबकि यहाँ पावर फैक्टर होगा, और दोनों क्षेत्र धारा से रिलेशन चेंज किया जाता है। अगर सिंक्रोनस मोटर का बाहरी आकार जो होता है वो किस चीज़ के कारण घटेगा। तो देखो, फ्लक्स घनत्व तो जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, कुंडली छोटी बनानी पड़ेगी अगर फ्लक्स घनत्व तो ज़्यादा बढ़ेगा तो, और इससे मोटर का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगला है, सिंक्रोनस मोटर में, तो सिंक्रोनस मोटर में रोटर के जो खांचे होते हैं और स्टेटर के जो खांचे होते हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ ये आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला है, सिंक्रोनस मोटर में अग्रगामी शक्ति गुणक पर विरोधी विद्युत वाहक बल होता है, जिसे आप लोग बैक EMF भी कहा जाता है। तो बैक EMF जो होगा वो क्या होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा जबकि सप्लाई वोल्टेज क्या होगी, कम होगी। तो सप्लाई वोल्टेज से क्या होता है, ये अधिक होगा।
अगला है कि एक 12 पोल है 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर का पूर्ण भार और शून्य भार पर गति का अंतर। तो ये मोटर मैंने आपको बताया था कि शून्य लोड से फुल लोड पर इसकी गति चेंज नहीं होती, तो दोनों का अंतर जो होगा वो मतलब दोनों का जो मान आएगा वो सेम आएगा, तो अंतर इनका क्या होगा, शून्य ही होगा। अगला है सिंक्रोनस मोटर को भार पर चलाना कठिन है क्योंकि इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो शून्य होता है, मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसी कारण आप लोग इसको भार पर स्टार्ट नहीं कर सकते। अगला एक न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको वीडियो में ही समझा पाऊंगा तो इसलिए आप लोग इसको बाद में देखेंगे। अगला है सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है, तो सिंक्रोनस मोटर की जो स्ट्रक्चर जो होती है वो अल्टरनेटर के समान होती है, जिस तरीके से डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की जो संरचना जो होती है वो सेम होती है, उसी तरीके से अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की संरचना जो होती है वो सेम होगी। बस अंतर इतना होता है कि अल्टरनेटर को आप लोग सप्लाई जो अल्टरनेटर से सप्लाई लेने का कार्य करते हैं, जबकि डीसी जो सिंक्रोनस मोटर जो होगी उसको देने का कार्य किया जाता है। अगला एक सिंक्रोनस मोटर के रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट कर दी और आपने स्टेटर वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई दी तो क्या होगा, तो देखो रोटर वाइंडिंग अगर आपने शॉर्ट कर दी ना तो मोटर में इंडक्शन की तरह स्टार्ट होगी, ठीक है स्टार्ट हो जाएगी और इंडक्शन मोटर के समान क्या करती है, कार्य करेगी, क्योंकि इस समय आप लोग जो रोटर जो होगा उसको आप अलग से डीसी सप्लाई नहीं देते। अगला है स्लिप रिंग मोटर की तुलना में सिंक्रोनस मोटर का मुख्य लाभ क्या है, तो देखो सिंक्रोनस मोटर का ये कि फॉल्ट है, मतलब जो मेन जो इसका लाभ होता है वो क्या होता है कि इसका आप लोग पावर फैक्टर है जो है वो बदल सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि तीन फेज जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें स्लिप रिंग कितनी होगी, तो देखो इसका जो स्टेटर जो होगा उसको आप लोग काम किया करते हो कि थ्री फेज सप्लाई देते हो, जबकि रोटर जो होता है उसको डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो यहाँ आपको स्लिप रिंगों की जो आवश्यकता होगी वो केवल दो ही होगी। अगला है कि एक सिंक्रोनस मोटर में यदि सिंगल फेज को शॉर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो तीन फेज में से अगर आप एक फेज शॉर्ट कर देंगे तो अंदर घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, तो इसका मतलब मोटर जो होगी वो स्टार्ट नहीं होगी, दोनों में चिपक कर गति नहीं चलेगी। अगला है सिंक्रोनस मोटर के मामले में प्रतिशत स्लिप क्या होती है, तो देखो स्लिप क्या होगी, एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस होगा, तो दोनों का जो एन एस और एन आर का जो मान होगा वो दोनों बराबर होगा, इसका मतलब प्रतिशत स्लिप होगी वो कितनी आएगी, शून्य होगी। अगला अग्रणी शक्ति कारक पर कार्य करे सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल आप लोग काम क्या करोगे, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए करोगे, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला है सिंक्रोनस मोटर में जो हंटिंग दोष उत्पन्न होता है वो इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो या तो भार में चेंजिंग हो रही है या फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग हो रही है, तब ये काम क्या होता है जो हंटिंग दोष होगा उत्पन्न होगा। अगला है कि एक सिंक्रोनस मोटर है वो सामान्य उत्तेजन से चल रही है, तो आपने जब इसमें भार में वृद्धि की जाती है तो आर्मेचर धारा में वृद्धि होती है, तो आर्मेचर में धारा में जो वृद्धि होती है वो किस कारण से होती है, तो ये देखो किस तरीके से होगा कि जैसे ये सप्लाई वोल्टेज है या बैक ईएमएफ है, तो मोटर काम क्या करती है जब लाइन से करंट खींचेगी ना अतिरिक्त, तो उस समय क्या होगा कि ये मेन वोल्टेज होती है ना, क्योंकि देखो अवर एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा बैक ईएमएफ से काम क्या करती है धारा बाहर निकलेगी, इसका मतलब बैक ईएमएफ होगा वो सप्लाई वोल्टेज से अधिक होगा, लेकिन जब सामान्य कंडीशन होगी या जब क्या मोटर अंडर एक्साइटेशन के अंदर चलेगी तो वो सप्लाई वोल्टेज होती है ना वो काम क्या करती है मोटर को करंट देने का कार्य करती है, तो बैक ईएमएफ जो होगा वो कम होगा, सप्लाई वोल्टेज क्या होगी अधिक होगी, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला डीसी क्षेत्र धारा प्रदान करने के बाद निम्न में से किस कारण से मोटर जो है वो तुल्यकालिकता की जाने में असमर्थ होती है, मतलब आपने मोटर को काम क्या कर दिया उसको जोड़ दिया डीसी सप्लाई से, लेकिन फिर भी मोटर में जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है स्टेटर और रोटर का उनके बीच में लॉकिंग नहीं हुई, तो लॉकिंग नहीं इसका पीछे रीजन क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो है रोटर का वो क्या कमज़ोर है, तो इसका मतलब क्षेत्र धारा का मान क्या होगा कम होगा। अगला सिंक्रोनस मोटर पर भार आरोपित किए जाने पर अधिक आर्मेचर धारा का उपयोग करती है क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि बैक ईएमएफ उसका घट जाता है जिसकी वजह से मोटर क्या करती है लाइन से ज़्यादा करंट खींचने का कार्य करती है। अगला सिंक्रोनस मोटर में बल आघूर्ण कोण होता है, तो बल आघूर्ण जो कोण होगा वो किन के बीच में होगा, तो एक तो क्या होगा स्टेटर होगा, जैसे इस तरीके से स्टेटर हो गया टॉर्क कोण जिसको कहा जाता है, और ये क्या होगा रोटर, तो ये तो इसका एन पोल होगा तो इसका कौन सा एस पोल होगा, तो ये जो टॉर्क कोण जो होगा या मंदन कोण जिसको कहा जाता है या शक्ति कोण जिसको कहा जाता है, तो ये रोटर और स्टेटर के विपरीत पोलों के बीच में होते हैं। तो देखें पहला दे रखा है कि वह कोण जिससे मोटर तुल्यकालिक गति से पीछे रह जाती है, तो यह भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और घूर्णी रोटर स्टेटर फ्लक्स तथा रोटर पोलों के बीच में कोण, तो ये आंसर इसका सही होगा, तो यहाँ सी ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे।
अगला है कि हंटिंग दोष को दूर करने के लिए आप लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हो, तो डैम्पर वाइंडिंग कौन से रोटर में प्रयोग कर सकते हो? तो देखो, एक तो बेलना का रोटर होगा इस तरीके से, तो इस पर आप डैम्पर वाइंडिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो सेलियंट पोल जो होता है इस तरीके का, इसके अंदर ये जो भाग जो होता है, यानी कि ये पूरा भाग ऐसे राउंड होगा, तो ये जो बीच वाला जो भाग होगा, मतलब यहाँ तो वाइंडिंग होगी यानी इन खांचों के अंदर, और ये जो, इसको इस तरीके से समझे, इस तरीके से ये है, तो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये जो भाग जो होता है यहाँ, इसके अंदर क्या किया जाता है, डैम्पर वाइंडिंग जो होती है वो की जाती है, जो तांबे का एक तार होता है। अगला, यांत्रिक भार के लिए प्रयुक्त सिंक्रोनस मोटर की तुलना में जो फेज सुधारक होता है, तो देखो यांत्रिक भार के लिए जो आप लोग इस्तेमाल करते हो वो तो बेलनाकार रोटर होगा, जबकि सिंक्रोनस मोटर में आपको फेज सुधारना है तो आप लोग काम क्या करोगे, उसको सेल्फ स्टार्ट इस्तेमाल करते हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी शाफ्ट छोटी होगी, उसकी गति भी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जो सेलियंट पोल होता है उनका व्यास अधिक होता है, उसकी जो लंबाई जो होती है वो कम होती है, और इनकी गति भी क्या होती है, कम होती है। अगला, किस प्रकार के मोटर में डीसी उत्तेजन में परिवर्तन करके लाया जा सकता है, किसी सिंक्रोनस मोटर के डीसी उत्तेजन में परिवर्तन किस में परिवर्तन लाता है? तो उत्तेजन में अगर आप चेंजिंग करते हो ना, तो उसका शक्ति गुणक जो होता है वो चेंज होगा, और आर्मेचर करंट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पावर फैक्टर का मान घटेगा तो आर्मेचर धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला, एक सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सिंक्रोनस टॉर्क विकसित करती है, तो ये जो होगा वो सिंक्रोनस गति भरी होगा। अगला, एक सोलियंट पोल मशीन में वायु अंतराल क्या होगा? इसको देखो किस तरीके से समझेंगे, जैसे ये मैंने भी आपको बताया था, इस तरीके का ये रोटर का जो स्ट्रक्चर होगी, और ये मान लिया स्टेटर का भाग है, तो देखो यहाँ केंद्र है ना ये पोल का, तो यहाँ तो कम होगा, जैसे जैसे आप लोग दूर जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, इन दोनों के बीच में एयर गैप बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे क्या है, ऐसे फ्लैट यानी कि थोड़ा वर्ताकार होता जा रहा है, तो पोल के केंद्र पर न्यूनतम होगा, केंद्र से दूर जाने पर क्या होगी, वृद्धि होगी। आप दोनों तरफ अगर जाएंगे तो इन दोनों के बीच में एयर गैप होगा, वो बढ़ता रहेगा, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला, सिंक्रोनस मोटर की शक्ति गुणक पर कार्य करती है, तो ये सभी प्रकार के पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अगला, एक सिंक्रोनस मोटर का उपयोग शक्ति सुधारने हेतु करते हो, तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं होना चाहिए, साथ ही ये मोटर ओवर एक्साइट होनी चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल आप लोग काम क्या कर सकते हो, पावर फैक्टर को सुधारने में कर सकते हो। अगर लोड होगा और मोटर ओवर एक्साइट होगी, फिर भी मोटर काम क्या करती है, लाइन से करंट खींचने का काम करेगी, जिसकी वजह से वो लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करेगी। अगला, सिंक्रोनस मोटर में जो एकदम पावर डेवलप होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? तो ये यहाँ सप्लाई वोल्टेज पर, रोटर के उत्तेजन पर, और जो कपलिंग एंगल जो होता है रोटर स्टेटर के मध्य, इन सभी बातों पर डिपेंड करती है। अगला, एक सिंक्रोनस मोटर को जब सप्लाई से जोड़ा जाता है और इसकी फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि फील्ड वाइंडिंग अगर आपने क्या कर दी, शॉर्ट कर दी, अगर आप उसको डीसी से एक्साइटेशन नहीं देते हो, तो उस समय मोटर स्टार्ट होगी, इंडक्शन मोटर के समान कार्य करेगी। अगला है कि सेलियंट पोल ध्रुव मोटर में यदि फील्ड कुंडन ओपन हो जाए तो क्या होगा? तो देखो, रोटर स्टेटर इसमें चिपक कर चलते हैं, तो अगर जो फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगी तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा रोटर का, और स्टेटर जो होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देगा, मतलब तोड़ देगा संबंध, तो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगला, एक सिंक्रोनस मोटर में जो स्टेटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो किस बात पर निर्भर करता है? तो बैक ईएमएफ ये जो होता है, ये जो स्टेटर जो होता है इसके अंदर जो बैक ईएमएफ बनता है वो रोटर के एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। अगर ओवर एक्साइटेड होगी मोटर तो बैक ईएमएफ ज़्यादा होगा, लाइन वोल्टेज कम होगी, तो मोटर करंट लेगी नहीं, करंट देने का काम करती है, जिसकी वजह से वो पावर फैक्टर को सुधारने का कार्य करती है। तो ये बात आप लोग वहाँ पावर फैक्टर से भी समझ सकते हो। अगला, एक सिंक्रोनस मोटर में किस समय में आर्मेचर धारा उच्चतम लेती है? तो या तो मोटर का देखो, इसको वी वक्र से समझे आप लोग, जैसे ये आर्मेचर करंट होगी और इसका वी वक्र ऐसे बनेगा, ये फील्ड करंट होगी, ठीक है, और यहाँ देखो आर्मेचर करंट ज़्यादा है, यहाँ तो मोटर लेने का काम करती है, जबकि यहाँ मोटर सप्लाई देने, करंट देने का काम करती है, तो दोनों कंडीशन के अंदर आर्मेचर करंट धारा का जो मान है वो उच्चतम है, और इन दोनों कंडीशन के अंदर जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। यहाँ पश्चगामी होगा, यहाँ अग्रगामी होगा, ये वी वक्र है, ये इन्वर्स वी वक्र है, तो यहाँ से आपको पता चल चुका होगा ये क्या बात बोल रहे हैं। अगला, एक सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर धारा निम्नवर्ती उत्तेजन पर क्या होती है? और ये क्वेश्चन ऊपर वाले का जस्ट विपरीत है, तो आर्मेचर धारा क्या होगी, दोनों कंडीशन के अंदर क्या होगी, अधिक होगी।
अगले एक 12 पोल है, 200 वोल्ट है, 3 फेज है, 60 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर की शून्य भार से पूर्ण भार गति का अनुपात। तो आपको पता होगा कि दोनों की गतियां जो होती है शून्य लोड से फुल लोड पर जो मोटर की गति होगी वो चेंज नहीं होती, अनुपात अगर आप निकालोगे तो 1:1 आएगा। अगला है सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क से पूर्ण भार टॉर्क का अनुपात क्या होगा। तो इसका देखो स्टार्टिंग टॉर्क है और ये फुल लोड टॉर्क है, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, शून्य, नीचे भले कुछ मर्जी मान लो तो इसका मान कितना आएगा, शून्य आएगा। अगला एक सिंक्रोनस मोटर की गति में चेंजिंग किस तरीके से किया जा सकता है, तो इसके एक मेथड जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो जो होती है वो सप्लाई आवृत्ति को बदलकर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको दिया गया 10 पोल है, 50 हर्ट्ज का एक अल्टरनेटर है और 60 हर्ट्ज के एक सिंक्रोनस मोटर से जुड़ा हुआ है, तो सिंक्रोनस मोटर में ध्रुवों की संख्या बतानी है। तो इस सवाल को में एक थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि देखो अगर वो दोनों मैकेनिकल रूप से जुड़े हैं तो इसका मतलब दोनों की गतियाँ क्या होगी, सेम होगी, तो स्पीड का जो फार्मूला होगा वो 120/FP होगा, तो इधर भी ये दोनों में सेम काम करेगा। तो अब देखें 10 पोल है और 25 हर्ट्ज की सप्लाई है, तो इसके अंदर देखें तो यहाँ अप आएगा, फ्रिक्वेंसी 25 होगी, पोल कितनी है 10 है, यहाँ फ्रिक्वेंसी 60 है, यहाँ आपसे पोल पूछा गया है, तो इसको आप लोग हल करेंगे तो इसको आएगा 2 और यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा इसको करेंगे तो 12, ठीक है, 5 से काटेंगे तो 12, 5 60 हो गया, इसको करेंगे तो 12 दुनी 24, यानी कि सिंक्रोनस मोटर में जो पोलों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 24 होगी। अगला एक सिंक्रोनस मोटर में शून्य भार पर है और पस EMF और आपूर्ति वोल्टता समान है, तो अब उसे क्या कहा जाता है। तो देखो दोनों का जो मान है ना वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, मतलब बैक EMF और जो सप्लाई वोल्टेज है वो दोनों बराबर है। तो इस समय क्या होगा कि जो एक्साइटेशन आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, 100% एक्साइटेशन है। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेज है और 50 हर्ट्ज है, 400 वोल्ट है और सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर अनंत बस बार से जुड़े हैं, मोटर शून्य बार पर चालित है, यदि फील्ड धारा को शून्य कर दें तो क्या होगा। अगर आप लोग मोटर की फील्ड धारा को कम कर देंगे तो उस समय मोटर काम क्या करेगी, देखो ये स्टेटर वाइंडिंग होगी और रोटर वाइंडिंग, अगर आपने फील्ड धारा को कम कर दिया ना तो अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये आगे क्या होगा, DC सप्लाई से जुड़ा होगा, यानी कि शॉर्ट होगा पीछे से रोटर, अगर रोटर पीछे से शॉर्ट होगा तो यहाँ जब इसका फ्लक्स आर्मेचर काटेगा तो इस समय क्या होगा, ये इंडक्शन मोटर के समान कार्य करेगा, तो इस वजह से क्या होगा इसकी जो गति होगी वो सामान्य गति से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना कि फील्ड धारा को आपने कम करके शून्य कर दिया, मतलब आपने जो DC सप्लाई दे रहे हो उसको सर्किट से बाहर कर दिया और यहाँ से प्रतिरोध से क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया, अगर ये प्रतिरोध से शॉर्ट नहीं होगा तो मोटर रुक जाएगी क्योंकि इन दोनों में लॉकिंग नहीं होगी। अगला डैम्पर वाइंडिंग कहाँ होती है, तो डैम्पर वाइंडिंग हमेशा किस पर होती है, रोटर पर ही होगी। अगला 40 HP 3 फेज प्रेरण मोटर को कम आपूर्ति वोल्टता के कारण निम्न में से कौन सा उपकरण वोल्टता बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जा सकते हैं। तो यहाँ आप लोग काम क्या कर सकते हो, शंट संधारित्र जो होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगला एक सिंक्रोनस मोटर बिना यांत्रिक भार के अति उत्तेजित अवस्था में कार्य करती है, तब इसको क्या कहा जाता है, तो इस समय इसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा सी। और जो लास्ट क्वेश्चन आज का, वह एक सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया किस उत्तेजन पर अधिकतम होती है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया कब होगी, जब धारा का मान ज़्यादा होगा आर्मेचर धारा, और आर्मेचर धारा का जो मान होगा वो निम्न अति उत्तेजन पर ही होगा क्योंकि इस समय जो शक्ति गुणक होता है वो न्यूनतम होगा, तो यहाँ ये डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये आज के कुछ 50 क्वेश्चन थे जिसमें सिंक्रोनस मोटर के उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो जो होगी कल अपने बात करेंगे अल्टरनेटर के बारे में, और तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।